आज ना हम एक फोन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M13। अब देखिए, बहुत सारा वीडियो देख लिए होंगे ये फोन के ऊपर, तो इस फोन में क्या क्या है आपको पता होगा। फिर भी हम स्पेसिफिकेशन ना डिस्प्ले पे छाप दिए हैं, आप बढ़िया से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में ना हम एकदम मुद्दे वाली बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस एकदम दिल से निकाल के आपके सामने रख देंगे, और क्यों आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए इसके बारे में हम एकदम प्रूफ के साथ बताएंगे। तो शुरू करें। इस फोन में ना 6.6 इंच PLS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। बैक पैनल प्लास्टिक एंड साइड फ्रेम आल्सो प्लास्टिक। दिस फोन कम्स विथ टू डिफरेंट वेरिएंट, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। अब जो 4GB रैम वाला प्राइस है उसका दाम है 12,000 रुपया में 1 रुपया कम, और 6GB वाला का 14,000 रुपया में 1 रुपया कम। पीछे में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया। अब प्राइस के अकॉर्डिंग इसका डिजाइन देखें तो हमको बहुत पसंद आया, बट काफी ग्लोसी है जिसके कारण स्क्रैचेस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऊपर से डब्बा के अंदर कोई भी केस उस आपको नहीं मिलता है फोन में लगाने के लिए। फोन में ना 2 SIM के साथ साथ माइक्रो HD कार्ड भी लगा सकते हैं, वो भी 1 TB तक का। इस फोन का जो डिस्प्ले है ना वो हमको बिल्कुल सही लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। और हाँ, डिस्प्ले में ना कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि बढ़िया वाला बात है। कनेक्टिविटी वगैरह में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन 4G कैरियर एग्रीगेशन होता है ना, 4G प्लस वाला, वो हमको बिल्कुल नहीं मिला इस फोन में। अब ये सिर्फ हमारे फोन में नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ था, या फिर अगर आपके पास है और आपको 4G प्लस एग्रीगेशन मिला है कि नहीं मिला है, वो हमको थोड़ा बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके। अब देखिए भैया जी, इस फोन में ना हमको एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आया और बहुत बढ़िया लगा वो था इसका बैटरी और बैटरी बैकअप, मतलब कमाल का। लेकिन वहीं पे आप निराश भी हो जाएंगे, क्योंकि इस फोन में ना आपको जो चार्जर मिलता है वो 15 वॉट का चार्जर मिलता है, जो कि सैमसंग के हिसाब से फास्ट चार्जर एडेप्टर है। तो उस चार्जर एडेप्टर का यूज करके इस फोन को चार्ज होने में लगभग 2 घंटा 40 मिनट के आसपास लग जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एकदम प्रॉपर एकदम टाइम लगा के जो है इसको चेक किया है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस में ही जो प्रॉब्लम है वो हम इंक्लूड करेंगे, और वो चीज आपको जानना जरूरी है। जैसा कि हम आपको बताए कि फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP, 5 MP और 2 MP का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब देखिए, इसका जो प्राइमरी कैमरा है उससे जब फोटो वोटो लेते हैं तो बढ़िया फोटो आ जाता है, और जो 5 MP का अल्ट्रा वाइड दिया गया है ना उससे भी बढ़िया फोटो आ जाता है, प्राइस को ध्यान में रख के अगर देखा जाए तो। और जब लाइट का सिचुएशन, मतलब लाइट कंडीशन काफी अच्छा हो, तो वहां पे अच्छा फोटो आपको निकाल के दे देता है इस फोन का कैमरा। इमेज में कलर आपको अच्छा मिल जाता है। इमेज वगैरह को ना हम बहुत जूम जाम करके देखे, और उसके बाद हमको पता चला जो डायनेमिक रेंज है वो सही नहीं कैप्चर करता है, एंड देन यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह है वो फोटो में आपको बढ़िया मिल जाता है, यानी पिक्चर में डिटेल वगैरह जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है। अब इस रेंज में बहुत सारा फोन आता है जिसमें आप फोटो क्लिक करते हैं ना एकदम बूस्ट कलर आपको मिलता है, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलता, एकदम नेचुरल मिल जाता है, वो हमको बिल्कुल सही लगा। इमेज में शार्पनेस जो है वो हमको कम लगा। वहीं रात में भी हम 2-3 को फोटो खींच के देखे, और उसके बाद फिर हम एक ही बात कहेंगे आपको कि रात में ये फोन से फोटो मत लीजिएगा, रात में फोटो लेने लायक इसका जो कैमरा है वो बिल्कुल सही नहीं है। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो इसके फ्रंट कैमरा से कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो एडजस्ट करने में स्ट्रगल करता है ये फोन, जैसा कि हमको दिख रहा है। अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना वो इसके प्राइमरी कैमरा से कर रहे हैं, और प्राइमरी कैमरा से जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसा क्वालिटी आपको मिलेगा वो आपके सामने साक्षात प्रकट है। और यहाँ पे जो ऑडियो है वो डायरेक्टली फोन का मिल रहा है, क्योंकि हमने माइक को निकाल दिया है। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, जो फ्रंट कैमरा है अगर उससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे एक्सपोजर वगैरह आप सेट नहीं कर सकते, लॉक आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम बहुत प्रयास किए नहीं हुआ। लेकिन इसका जो प्राइमरी कैमरा है अगर आप उससे रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर लॉक करने वाला ऑप्शन दिख जाएगा। सिंगल बॉटम स्पीकर दिया गया है जिसमें आपको ऑडियो क्वालिटी बढ़िया मिल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड है या फिर जाके कहीं पे आवाज फट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिल जाता है। अब परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम। इस फोन में जो प्रोसेसर आपको मिलेगा वो है सैमसंग एक्सिनो 850, जो कि 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और ये जो प्रोसेसर है ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है हैवी टास्क के लिए या फिर मल्टीटास्किंग के लिए। फोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 मिल जाता है बेस्ड ऑन 1UI4 कोर वर्जन वाला। इस फोन को ना जब भी हम स्विच ऑफ करके और फिर ऑन करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अब चूंकि इस फोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो इस कारण से जब भी एप्लीकेशन आप खोलते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो वहां पे जो
प्रोसेस होता है ओपन होने वाला वो काफ़ी स्लो है। और इसके अलावा जब आप कोई टास्क वगैरह कर रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वो चीज़ आपका स्लो होता है। यहाँ तक बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं है। चलो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम तब आया जब इस फोन को मैंने 6 दिन तक कंटिन्यू यूज़ किया। सातवें दिन इस फोन में ना हमको 3 मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। फर्स्ट, हीटिंग प्रॉब्लम। फोन बिल्कुल सही से काम कर रहा था। एक दिन हम चार्ज में लगाए और फिर जब हम चार्ज में लगाए उसके बाद जो चार्जिंग पॉइंट होता है वहां पे फोन हीट होना चालू हुआ। इसके अलावा कैमरा के पास भी फोन हीट हो रहा था बट उतना नहीं जितना वो चार्जिंग पॉइंट के पास हो रहा था। हमको लगा कि मतलब इस टाइम हो रहा है, चलो भैया थोड़ा देर के लिए निकाल देते हैं। लेकिन फिर से हम ट्राई किए, फिर से हम लगाए, फिर से वही प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लैग करने लगा फोन। नॉर्मली जो है फोन हल्का हल्का लैग कर रहा था, ऐसे आप ये नया फोन जब खरीदेंगे ना तो लैग करेगा एकदम, ये चीज़ गारंटी है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बट जो मेरे डिवाइस में हो रहा था वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब लैग करने लगा था फोन। तीसरा प्रॉब्लम मुझे हुआ जब कैमरा खोल के और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटो क्लिक करना हो तो वहाँ पर क्या होता था कि फोन हल्का सा भी अगर हीट होता था, मतलब हल्का सा भी, तो फोन जो है ना वो काफ़ी एकदम मतलब लैग करता था, एकदम जिटर मारने लगता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद फोटो क्लिक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम होता था एंड देन वो फोटो फिर जाके गैलरी में सेव होता था। ये सब चीज़ ना हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगा। चलो मान लेते हैं 10,000-12,000 का फोन है, लेकिन फिर भी अगर इसी बजट सेगमेंट में कोई दूसरा फोन हम देखें उसमें जो है ना बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस जो है हमको मिल जा रहा है तो फिर हम ये फोन क्यों लें? ऐसा हमको सवाल एकदम दिमाग में घूमने लगा। अब अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये भी सैमसंग के ही फोन से हो रहा है, वो भी 10,000 का फोन है और उससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैमरा आप देख लीजिए कैसा क्वालिटी है। और ये फोन कौन सा है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है इस फोन का, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसका फुल रिव्यू किया है। ओके, ये तो 3 मेजर प्रॉब्लम मुझे लग ही रहा था। बट चौथा मेजर प्रॉब्लम मुझे कुछ दिन के बाद होना शुरू हुआ, वो था इसका फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम। इसका जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो एक बार में काम करता ही नहीं, मतलब आप एक बार दाबेंगे काम नहीं करेगा, 2 बार दाबेंगे तो फिर वो ओपन होगा, कभी कभी तो 2-3 बार दाबने के बाद भी ओपन नहीं होता है, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस था। और सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं, इसका फेस अनलॉक भी जो है वो बिल्कुल सही से काम नहीं करता है, काफ़ी स्लो है। अब चूंकि ये फ़ोन हमारे पास ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आया था, वो भी फ्लिपकार्ट के द्वारा, तो हम तुरंत से एकदम फ्लिपकार्ट पे वो रिटर्न वाला जो ऑप्शन होता है वो डाले। और उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट में एक बढ़िया चीज़ किया है कि आता है टेक्नीशियन और वो फिर चेक करता है। जो टेक्नीशियन था वो आया और फिर हमारे फ़ोन को देखा पूरा, एकदम सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जो है वो चेकिंग प्रोसेस होता है, पूरा सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर क्या क्या इंस्टॉल किया फिर चेक करना शुरू हुआ। जिटर मार रहा है फोन, देख रहे हैं ऐसे कर रहे, अब देखिए जो टेक्नीशियन था वो बिल्कुल सही आदमी था, वो जब सॉफ्टवेयर पे डाला तकरीबन 20-25 मिनट जो है वो सॉफ्टवेयर पे फ़ोन हमारा चेक हुआ और वहाँ पे बता रहा है कि फ़ोन एकदम ओके। बट जो टेक्नीशियन था वो जब फ़ोन एकदम यूज़ किया ना, एकदम ऐसे कैमरा उमरा घुमाया ना, तो देखा बाप रे बाप ये तो कैमरा चल ही नहीं रहा है। तो फिर वो हमको बोला, देख लिए ना भैया, मतलब एकदम सामने एकदम सॉफ्टवेयर तो बता दिया सच सच, लेकिन अभी हम अपना आँख से देख रहे हैं कि आपके फ़ोन में सच में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से रिपोर्ट बना के जो है ना डाल देते हैं कि हम देखें एकदम यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन काम नहीं कर रहा है, वहाँ सॉफ्टवेयर में पता नहीं क्या क्या है, नहीं फलाना ढिनका, लेकिन हम यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। तो यहाँ से रिपोर्ट बना के उन्होंने भेजा, उसके बाद फिर फ़ोन हमारा जो है वो रिप्लेसमेंट में दूसरा फ़ोन आया और वो जो दूसरा फ़ोन आया ना एकदम सेम टू सेम, उसको भी हम यूज़ किए, उसमें भी ना वो जो लैग वाला है ना वो मारेगा भैया, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है एक्जिनो 850 जो कि बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है आपका मतलब ऐप को फास्ट ओपन करने में वगैरह वगैरह, मतलब ये सब चीज़ मतलब इस तरह के प्रॉब्लम आपको इस फ़ोन में आएंगे, आपको खुद ही लगेगा कुछ दिन के बाद यार कितना फ़ोन स्लो है, हम भेज देते हैं, मतलब ऐसा कुछ एकदम दिमाग में एकदम घूमते रहेगा आपके। क्या बात कर रहे हैं बाबा, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। बाकी अब हम कंक्लूजन की बात करें कि क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर हमसे पूछिएगा ना हम एक ही बात कहेंगे, नहीं। जी हाँ, क्योंकि देखिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन दोनों पे ना बहुत बड़ा सेल आ रहा है और इसमें क्या है कि इसका जो प्राइस है वो कम होगा। अब कम होने के बाद फिर आपके दिमाग में घूमेगा, अरे भैया कम दाम में मिल रहा है चलो ले लेते हैं। जिस प्राइस रेंज में ये फोन मिल रहा है, मतलब वही 12,000 का फोन है, तो इसी प्राइस रेंज में और भी कई सारे फोन हैं जिसमें आपको अच्छा फीचर और अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इसके कंपेयर में अगर बोला जाए तो।
तो ये फ़ोन मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी नहीं दूंगा बाइंग वगैरह, कोई फ़ायदा नहीं है भैया, हम नहीं चाह रहे हैं कि ये फ़ोन आप लीजिए। और अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M13 फ़ोन है और आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे एम रखते हैं लाइक का, वो भी एक, तो एक लाइक तो करिए दीजिएगा आप लोग। और हाँ, मतलब जाता है मतलब ऐसे चले जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा चैनल, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि अब देखिए नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तो हमारा जो कल का आने वाला वीडियो है कैसे पता चलेगा कौन सा है, समझ गए ना, समझदार हैं आप लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।